YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम दबाकर पाएं प्रमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। आदाब, मैं हूं दीप्ति और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ यानी खबर की तह तक। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं चियां के स्थित शोशा पब्लिक स्कूल। हम बता दें दर्शकों, चलिए यहां की प्रिंसिपल से, यहां के अन्य बच्चों से और टीचर से बात करते हैं कि लोग यहां कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं और लोग क्या क्या कहना चाहते हैं। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं शोशा पब्लिक स्कूल के क्लास 2 में, तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और उन्हें कितना मजा आ रहा है पढ़ाई करने में, और पढ़ाई के साथ साथ खेल भी कर रहे हैं या सिर्फ पढ़ाई करने में लगे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए, हम सिटी न्यूज़ से हैं, आप लोग बताइएगा क्या क्या पढ़ाई कर रहे हो, मिस कैसा पढ़ाती है, ठीक है? सब कोई क्वेश्चन आंसर करेगा। क्या पढ़ा रही है अभी? क्या होता है कंप्यूटर फाइव में, बताइए। इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर के पांच नाम होते हैं। हाँ बताइए। नहीं बताओ। सीपीयू, यूपीएस, कंप्यूटर, माउस। आपको पता है तो फाइव बोलिए। मॉनिटर, यूपीएस, माउस। वेरी गुड। तो ये बताओ कि मिस सिर्फ पढ़ाती है, गेम भी होता है स्कूल में? कितने दिन गेम होता है? चलिए दर्शकों, हम यहाँ की टीचर से भी बात करते हैं कि वो बच्चों को क्या क्या पढ़ा रही है और बच्चों से कितना खुश है वो, बताइए। मिस, आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं? जी, मैं अभी कंप्यूटर के पार्ट्स बता रही हूँ। बच्चे क्या आपका मतलब अच्छे परेशान नहीं कर रहे, मतलब कितना परेशानियाँ होती है बच्चों को पढ़ाने में? भी नहीं होती है, बच्चे हैं परेशान और अच्छे से सीख ले रहे हैं। तो ये बताइए, आप सिटी न्यूज़ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? सोचा अपने स्कूल के बारे में क्या मैसेज देंगे? हमारे बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हैं, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं, गेम्स वगैरह भी हम ले जाते हैं, और हमारा सैटरडे को योग क्लास भी होता है इनका, और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं हमारे। तो दर्शकों, सुना क्लास स्टैंडर्ड सेकेंड के बच्चों से बात किया, अब चलिए कोई और क्लास में जाते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियाँ आज हम आपको देंगे। दर्शकों, अब हम पहुँचे हैं क्लास 10th में, तो चलिए दर्शकों, हम यहाँ के बच्चों से बात करते हैं कि वो क्या क्या पढ़ रहे हैं और उन्हें कितना मन लग रहा है पढ़ने में और क्या क्या होता है इस स्कूल में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये बताइए क्या पढ़ा रहे हैं सर? बायो पढ़ा रहे हैं आप। ये बताइए कि स्कूल में लैब होता है? हाँ होता है। सप्ते में कितने दिन? जब उसका जरूरत पड़ता है। जरूरत पड़ने पे होता है। ऐसे सप्ते में कितने बार होता है? क्या गेम दिया जाता है? और गेम होता है? पढ़ाई में ज़्यादा मन लगता है। चलिए, बहुत सच बात बोली है खेल में। तो चलिए, हम यहाँ के कुछ और बच्चों से बात करते हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं और क्या क्या पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइफ प्रोसेस के बारे में। बहुत अच्छी बात है। चलिए दर्शकों, कुछ और बच्चों से बात करते हैं, उनका क्या क्या कहना है। ये बताइए कि कोई क्लास खाली जाता है आप लोग का या फिर सारा पढ़ाई करते रहते हैं? अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए, आपके स्कूल में क्या फैसिलिटी, क्या क्या अच्छी अच्छी फैसिलिटी है? आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? हमारे स्कूल में तो मैम बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे फैसिलिटी दिए जाते हैं, और उन्हें कितनी खुशी मिल रही है, बच्चे कैसे कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन।
मिस क्या पढ़ा रही है? कंप्यूटर बताइए मिस क्या पढ़ा रही है? कंप्यूटर में क्या पढ़ा रही है? नहीं पता कोई बात नहीं। तो पता है कि गेम क्या क्या होता है? कौन कौन सा गेम होता है स्कूल में? चलो बताओ कौन कौन सा गेम होता है? कोई बात नहीं। चलिए दर्शकों हम यहाँ के टीचर से बात करते हैं कि वो बच्चों क्या क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चे उनकी कितनी बात समझ रहे हैं। सबसे पहले गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये बताइए बच्चे कितने आपके बातों को फॉलो कर रहे हैं? अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ाते हैं उसको समझ रहे हैं। और आज तो कंप्यूटर क्लास था, तो कंप्यूटर में लैब होती है, बट आज लैब नहीं थी, आज लैब में पहले तक बैग्स लगाया था। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गेम भी करवाया जाता है? हाँ, गेम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को। गेम इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो बच्चों को गेम करवाया जाता है। पीरियड होती है उस 7 पीरियड सप्ते में करीब 2-3 हो जाते हैं। आप बताइए आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? जैसे हर बच्चे को खेलने के लिए है, लाइब्रेरी वगैरह है, मैगजीन वगैरह भी पढ़े हुए हैं, व्हाट्सएप भी है, छोटे बच्चों के लिए साइड झूला वगैरह भी है। तो सुना दर्शकों यहाँ के बच्चे कंप्यूटर पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए दर्शकों कुछ और भी क्लास में जाते हैं और वहाँ हम बातचीत करेंगे। दर्शकों अभी हम पहुँचे हैं क्लास 6 के बच्चों के पास, तो चलिए हम जानते हैं कि यहाँ के बच्चे कितने सादे हैं, यहाँ के बच्चे क्या क्या कहना है यहाँ के लोगों का। सबसे पहले गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं? क्या ओके चलिए दर्शकों कुछ और बच्चों से बात करते हैं। बताइए आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं? आपके डेस्क में तो बुक्स भी नहीं है। चलिए चलिए सर कोई बात नहीं, ये बताओ क्या पढ़ाई कर रहे हो सर? क्या पढ़ा रहे थे? और स्कूल में गेम होता है? आपके स्कूल में क्या क्या फैसिलिटी है? फैसिलिटी क्या क्या है? स्पेशल फैसिलिटी सर तो ये गेम होता है स्कूल में? टीचिंग और लैब होता है स्कूल में? सप्ते में कितनी बार होता है? 2 दिन होता है। तो चलिए दर्शकों हम यहाँ की क्लास 6 की लड़कियों से बात करते हैं कि उनका क्या क्या कहना है। ये क्या पढ़ा रहे हैं सर? साइंस में क्या? सोर्सेज ऑफ फूड। क्या होता है सोर्सेज ऑफ फूड? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। क्या होता है सोर्सेज ऑफ फूड, किसी को पता है? चलो ये बताओ कि गेम होता है स्कूल में या फिर सिर्फ पढ़ाई होता है? गेम्स भी होता है। क्या क्या गेम होता है? क्या क्या गेम होता है? और जब आप होमवर्क नहीं करते तो सर क्या करते हैं? बिल्कुल। तो चलिए दर्शकों हम यहाँ के टीचर से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है और वो क्या क्या राय हमें देते हैं। क्यों सबसे पहले गुड मॉर्निंग सर। आप अपने स्कूल के बारे में बताइए, फैसिलिटी क्या है आपके स्कूल में? फैसिलिटीज़ में जैसे बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हम ला रहे हैं, स्पोर्ट्स का फैसिलिटीज़ है, इंडोर गेम्स आउटडोर गेम्स, और म्यूज़िक है, डांस है, ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अभी हम लोगों ने लेटर राइट ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन कराया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जैसे लिखा था बच्चों को इंडियन इंग्लिश बोर्ड, और अभी ड्राइंग कॉम्पिटिशन भी हुआ था उस तरीके। तो ये बताइए जब बच्चे होमवर्क नहीं करते या बात नहीं समझते आप कैसे उनको समझाते हैं? उनको हम पहले तो ओरली बोलते हैं कि बच्चों को होमवर्क करो, फिर नहीं तो फिर अगर बच्चे नहीं ज्यादा सुनते तो उनको पनिशमेंट भी देते हैं। तो चलिए दर्शकों क्लास 6 स्टैंडर्ड क्लास 6 के बच्चों से साथ ही साथ उनके टीचर से बात किया तो हमें बहुत सारी जानकारी मिली। तो चलिए हम कुछ और बातें करते हैं और यहाँ स्कूल की फैसिलिटीज दिखाते हैं कि स्कूल में क्या क्या है। दर्शकों अब हम पहुँचे हैं कंप्यूटर लैब में जो यहाँ बच्चे हैं, तो चलिए यहाँ के बच्चे से बात करते हैं कि वो क्या क्या कर रहे हैं और कंप्यूटर में क्या क्या प्रोसेस सीख रहे हैं। चलिए दर्शकों अब हम कंप्यूटर लैब में पहुँच गए, सोसा पब्लिक स्कूल के कंप्यूटर लैब में पहुँच गए। तो चलिए हम बात करते हैं बच्चों से, बच्चे क्या सीख रहे हैं और क्या लगे हुए हैं चलाने में? एक्सक्यूज मी क्या चला रहे हैं? क्या होता है पावर पॉइंट? सर वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे सर।
प्रोजेक्ट बनाना है, तो सर क्या सिखा रहे हैं या फिर बस अभी प्रैक्टिस कर रहे हो? तो ये पहले ये कि कितने सप्ते में कितने बार होता है? One and two days होता है। तो क्या आप लोगों को चलाने को मिलता है या फिर पर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है? चलिए आप बताइए आप लोग क्या चला रहे हो? अभी तो हम लोग कुछ नहीं चला रहे हैं, फिर हम लोग अभी क्या चला रहे हैं भाई? मैं पावर पॉइंट चलाने वाले थे। क्या होता है उसमें? हम लोग कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे फिल्मों में कुछ हाईलाइट में नाम लिखा जाता है वैसे हम लोग इसमें कुछ प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। और ये बताओ मन लग रहा है कंप्यूटर चलाने में? और गेम होता है या फिर कंप्यूटर और सिर्फ पढ़ाई? गेम होता है। कौन कौन सा गेम होता है ये बताइए सर, क्या क्या आप सिखा रहे हो कंप्यूटर में? जो इसमें बेसिक है कंप्यूटर का वो सारा सिखा रहे हैं। किस किस क्लास से होता है कंप्यूटर? कंप्यूटर यहाँ 1-10। क्या क्या प्रोस अभी किस क्लास के बच्चे यहाँ मौजूद है और बच्चे क्या क्या आप सिखा रहे हो? अभी नाइन्थ के बच्चे हैं ये लोग, और पावर पॉइंट वगैरह ये सब कर रहे हैं। पावर पॉइंट चला रहे हैं। तो ये बताइए आप बताइए कि पावर पॉइंट क्या है और आपने स्कूल के बारे में बताइए, बेसिक फैसिलिटी क्या है? बेसिक फैसिलिटी करने के लिए बच्चों लायक सारी फैसिलिटीज है, मुझे तो लगता है कि सारी फैसिलिटीज है। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन। चलिए दर्शकों हम कहीं और भी जाते हैं, यानी साइंस लैब में जाते हैं और वहां देखते हैं वहां बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या क्या नया सीख रहे हैं। दर्शकों ये है सोसा स्कूल का साइंस लैब, तो चलिए देखते हैं, हम दिखाते हैं आपको यहाँ का साइंस लैब कैसा है और यहाँ बच्चे क्या क्या सीख रहे हैं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ दो बच्चे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि वो क्या क्या सीख रहे हैं और क्या क्या साइंस में सीख रहे हैं। बताइए साइंस में लैब में क्या क्या हो रहा है? हाँ, मैं तो वोल्टमीटर का उपयोग करने का बताया जा रहा है कि कैसे इसका यूज किया जाता है, एमीटर का भी यूज बताया गया है, तो कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है ये बताइए। आप क्या क्या सीख रहे हो? एमीटर से मतलब करंट का मतलब कुछ करके दिखाइए साइंस। मैम बैटरी इज नॉट चलिए दर्शकों हम यहाँ के टीचर से बात करते हैं कि वो साइंस में बच्चों को क्या क्या सिखाते हैं, क्या क्या ज्ञान बांटते हैं ये बताइए सर। आई एम बायोलॉजी टीचर। ओके, एक्चुअली आई टीच देम हाउ टू प्रिपेयर स्लाइड्स एंड हाउ टू ऑब्जर्व स्लाइड्स इन द माइक्रोस्कोप। सर आप केमिस्ट्री? फिजिक्स और केमिस्ट्री। ओके सर, बताइए बच्चों को क्या क्या सिखा रहे हैं? मेजरमेंट ऑफ करंट फ्रॉम एमीटर। सर ये बताइए कि ये साइंस लैब अभी हो रहा है या फिर हमेशा होता है? हम लोग के यहाँ कंटिन्यू होते रहता है। तो बच्चे क्या फॉलो अप करते हैं, कुछ सीखते हैं? हाँ। सर आप क्या पॉसिबल है आप कुछ दिखा सकते हैं? उसके बारे में बताया गया है, मीटर से उसको कैसे रीड करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में बताया गया है। तो अभी तो हम लोग के पास वैसा सेल वगैरह अवेलेबल नहीं है। ओके, कोई बात नहीं सर। तो चलिए दर्शकों देखा आपने यहाँ साइंस लैब, देखा कुछ बच्चों से बात किया और यहाँ हम साइंस लैब में भी आए, कंप्यूटर लैब में भी, और यहाँ बच्चे से बात किया, टीचर से भी बात किया, अन जानकारियाँ मिली और अन फैसिलिटी भी आपको देखने को मिला। तो चलिए दर्शकों हम यहाँ के प्रिंसिपल से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है स्कूल के बारे में और वो क्या क्या अपने बच्चों को सीख देना चाहते हैं। बच्चों को हम लोगों के यहाँ एक ऐसा एटमोसफियर दिया जा रहा है जिनमें उनका मेंटल और फिजिकल दोनों डेवलपमेंट एक साथ हो सके। मेंटल डेवलपमेंट के लिए तो पढ़ाई की सुविधा हर जगह होती है और उसका केयर भी होता है, और हम भी अपने स्तर से क्वालिफाइड टीचर्स जो डेडिकेटेड हों, सिंसियर हों, उनसे हम लोग एक ऐसा टीम बना के बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेल कूद का एक अच्छा सा ग्राउंड अपने पास है और उसके लिए ट्रेंड हमारे पास टीचर्स हैं जो उनके बीच गेम को प्रमोट करते हैं और इनक्रेज भी करते हैं। उसके कॉम्पिटिशन्स भी होते रहते हैं, हमारे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स होता है जो मंथ दिसंबर में होता है, उस समय का एटमोसफियर थोड़ा सा क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होता है, तो हम लोग एनुअल स्पोर्ट्स दिसंबर में ऑर्गेनाइज करते हैं। बच्चों के टूर ट्रिप्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं, कोई हिस्टोरिकल प्लेस ले जाते हैं। हम लोग नालंदा, राजगीर, गया, जमशेदपुर, रांची, इन सब जगहों पे बच्चों को ले गए हैं जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस लोकेशन, तो उससे भी बच्चों को बहुत कुछ सीखने का बहुत कुछ सीखने को मिलता है देखकर। और अपने आप में ट्रैवलिंग जो है वो एजुकेशन का पार्ट है, बिल्कुल आदमी सीखता है कि हम ट्रैवल कैसे करें।
और रही बात बच्चों का और भी जो डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोगों ने स्कूल के बच्चों को हाउसेज में बांटा हुआ है। तो हम लोग कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ और एक्टिविटी डे के रूप में सैटरडे सेलिब्रेट करते हैं। सैटरडे को हमारे यहाँ एक स्पेशल फीचर है जो योगा क्लास होता है, जो रेयर है, बहुत सारे स्कूलों में योगा नहीं हो पाता है। आज के बच्चों को हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए योगा का ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, तो वो हम लोग कर रहे हैं ऐसा। और सबसे बड़ी चीज़ है, हमारे बच्चे खुद से इंस्ट्रूमेंट प्ले करके असेंबली कंडक्ट करते हैं, जो हमारे म्यूजिक टीचर को क्रेडिट जाता है। वो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमारे बच्चों को ट्रेन किए हैं। आज हमारे टाउन लेवल के जितने भी कॉम्पिटिशन होते हैं, रिपब्लिक डे हो और इंडिपेंडेंस डे है या कोई और भी ऐसे कॉम्पिटिशन होते हैं, तो उसमें अपने टैलेंट को वो प्रूव करते हैं, वहाँ से अपने मेडल्स लाते हैं, सर्टिफिकेट्स लाते हैं, तो हम लोगों को प्राउड फील होता है। तो सर ये बताइए, आप लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे पूरे, जैसे कि आपको पता है सर ये न्यूज़ पूरा पलामू देख रहा है, तो आप स्पेशल मैसेज क्या देना चाहेंगे अपने स्कूल से? मैं जितने भी दर्शक हैं उनको एक जो संदेश देना चाहूँगा कि हम लोग की जवाबदेही बहुत बड़ी जवाबदेही है एक अच्छे राष्ट्र और समाज के निर्माण की। आज अभिभावक अपने बच्चों को समय कम दे पा रहे हैं, लेकिन हम लोग जो भी काम कर रहे हैं उसका जो एम है वो बच्चों के लिए ही हम लोग जो काम करते हैं वो कर रहे हैं। थोड़ा समय बच्चों के लिए निकालें, अब पेरेंट्स अभिभावक दें समय बच्चों के साथ, ताकि उनके बीच और बच्चों के बीच में एक इंटरेक्शन बना रहे, वो डिस्कनेक्ट नहीं हो। आज के बच्चे पेरेंटल जो केयर है उसमें थोड़ा सा कमी आ रही है, बच्चे को समय नहीं मिल पाता, पेरेंट नहीं दे पाते, तो होता क्या है कि फिर उनका कनेक्शन दूसरे लोगों से होता है, तो कभी कभी अच्छे लोगों के साथ कनेक्शन नहीं हुआ तो वो गलत ट्रैक पे भी चले जाते हैं। तो पेरेंट को समय देने की ज़रूरत है, पेरेंट को स्कूल से भी हमेशा लिंक्ड रहने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे का किस तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, हमारा बच्चा क्या कर रहा है, इसकी जानकारी ज़रूर लेनी चाहिए। और म्यूचुअल कोऑपरेशन है ये, तो पेरेंट्स और स्कूल दोनों जब मिलकर काम करेंगे तो हम समझते हैं हम लोगों का जो गोल है, जो हम लोग अचीव करना चाहते हैं, ज़रूर मिलेगा वो जरूर। चलिए दर्शकों, आपने देखा सोसा स्कूल को, आपने पहचाना सोसा स्कूल को, और यहाँ भी बहुत सारी फैसिलिटी दिखाए हमने। तो हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी अन्य जगह पे कोई और स्कूल में। बाकी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज़, यानी खबर की तह तक। धन्यवाद।